पकड़ लिया, ओए पकड़ा गया पकड़ा गया। वाह जी वाह, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेट लॉस हो गया और फीमेल जो है उसने डक ने अंडे देने ही छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स आज एक और ख़बर सुनने को मिली है, ये देखिए रोटी मैंने बिस्क्यू डाली है डक को, रोटी उसने वहाँ से उठा के पानी में डाली, पानी में, और ये देखें इसके साथ जो इसकी हालत कर रहा है और इसकी चिटें जो हैं वो मेरे ऊपर आ रही हैं। ओहो असल में ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हसन शाह एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स और पेट्स खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ जो सीन हो गया वो ये है कि हमारा एक चूज़ा जो है वो लापता है, और लापता किस तरह है अल्लाह बेहतर जानता है। वो साइड किसी छोटी सी जगह से आ गया बाहर और बिल्ली उसको लेके रफू चक्कर हो गई है, हम घर के खा रहे हैं। तो हाँ जी, बैड न्यूज़ ये सुनने में आई है कि चूज़े दोपहर टाइम थे बाहर और अभी मैंने आके इनको काउंट किया, 2, 4, 6 और 2, 8, एक चूज़ा हमारा आज फिर कहीं बाहर लापता हो गया और बिल्ली के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन यार ये समझ से बाहर है, मैंने अपनी तरफ से फुल सिक्योरिटी की तो हुई थी लेकिन कहाँ से निकला ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैंने फिर भी एहतियाती तौर पे इस साइड पे जो है ना वो मैंने एक भट्टी लगा दी है कि मज़ीद जो है ये सिक्योर हो जाए, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म क्या कर सकते हैं। और बाकी ये नॉर्मल रूटीन में अब पानी यार ये बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, पानी को मैंने अब इसके अंदर रख दिया ताकि कुछ थोड़ी सी बचत हो सके, लेकिन जो डक है ना वो डक नहीं माफ़ी देती किसी भी तरह से। और ये हमारी छोटी फीमेल बनी जो इस टाइम छिलके खाने में मसरूफ़ है, और साथ ही ये छिलके जो हैं वो डाले गए थे उसके अंदर से पानी इन्होंने बाहर गिरा बिरा के सारा गंद मचा के बहुत बुरी हालत कर दिया और अभी ये अंदर है। लेकिन ये बाहर, मैं चाह रहा था कि आज इनका दिन जो है ना वो बाहर गुजरे, लेकिन अभी किसी का मूड जो है मुझे नहीं नज़र आ रहा, सब रोटी खाने में मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके जो हैं वो पोटे आप देखिए माशाल्लाह फुल हैं, लेकिन रोटी का जो है अपना ही मज़ा आपको पता ही है। फ्रेंड्स जब से ये हमारे पास आए हैं ना, एक पेड़ जो हमारे पास डक आया हुआ है, ये बेचारा दिन ब दिन कमज़ोर हो गया हुआ है और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेट लॉस हो गया और फीमेल जो है उसने डक ने अंडे देना ही छोड़ दिए हमें। तो अब हमने सोचा ये है कि इसको जहाँ से हम लेके आए थे वापस उसी जगह पे भेजें, और क्योंकि ये यहाँ पे खुश नहीं है इतना, क्योंकि आपको पता ही है पानी का जो है वो परिंदा है, पानी में रहेगा तो ये खुश रहेगा। और अब चलें इनको कर देते हैं बंद, इनका जो नया घर है वो आपको दिखाते हैं कि इनको हम कहाँ पर बंद कर रहे हैं। आ जाओ, चलो ये वाला इनका नया घर है, फीमेल भाग रही है, चलो, शाबाश, इधर, हाँ ठीक, शाम हो गई है, अब आप मुर्गा हमारा, चलो उधर चलो, किधर, यार इनको अभी भी होश नहीं हुआ जी। तो हमारे मुर्गा मुर्गियाँ भी आ गई हैं यहाँ पे अपने नए वाले घर में, क्योंकि वहाँ तो हो गए हैं शिफ्ट हमारे चूज़े, और इनके लिए ये वाला अब घर है, और ये काफ़ी बड़ा घर है इनके लिए भी। असल में चूज़े सारा दिन यहाँ पे धूप रहेगी और फिर डिस्टर्ब होंगे आपको पता ही है, तो इस वजह से मुर्गा मुर्गियाँ यहाँ पर रहती हैं सिर्फ रात रात को, और दिन में ये खुल जाती हैं और ये आ जाती हैं बाहर। तो चलो बस टाटा बाय बाय, इसको हम पकड़ने की करने लगे हैं कोशिश, तो नहीं भाग गया, पकड़ा गया। वाह जी वाह, पकड़ा गया। वाह जी वाह, ये तो बड़ा ही कमाल हो गया। तो फीमेल उधर ही है, क्योंकि ना ये पेटियों के नीचे भाग जाते हैं। चलो, बस, शाबाश, ठीक हो गया, चलो। ये तो फ्रेंड्स ये हमारा था छोटा सा व्लॉग, तो उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।